सुशील कुमार को बचाने वाले उसके दोस्त कौन है? नियत थे सागर धनखड़ को मारने के लिए क्यों जुटे 25 पहलवान? क्या हरियाणा में अभी भी कुछ और पहलवान हैं जो असुरक्षित हैं? सुशील कुमार के साथ क्या होना चाहिए ताकि फिर कोई सुशील पैदा ना हो? पुलिस की नजर इस पर भी है कि कहीं हरियाणा में और भी पहलवानों के बीच गैंग ना हो जाए, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक इसके पूरे आसार हैं। इसलिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस की नजर इस पे भी बनी है। ऐसे गैंग जो बदले की आग में जल रहे हैं उन पे पुलिस की पूरी नजर बनी है। सुशील कुमार पे देश नाज करता था, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो कुछ भी करेगा। आपको क्या लगता है सुशील कुमार के साथ क्या होना चाहिए? सागर के माँ बाप बेहद गरीब हैं जो पानीपत में रहते हैं, लेकिन सुशील ताकतवर है, पहुंच वाला है, तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। सुशील कुमार ने कुश्ती के इतिहास में वो कहानी लिखी थी जो आज तक कोई नहीं लिख पाया, लेकिन आज सुशील कुमार को बचाने वाले ये साबित कर रहे हैं कि इस देश में काबिल इंसान को गलत करने का भी अधिकार मिल जाता है। सागर धनखड़ की आंखों में सपने थे, वो अपने गांव और माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन पहलवानों की गैंग में वो मारा गया। सुशील ने साथियों के साथ मिलकर कैसे सागर को मारा, इसका खुलासा तो जल्द हो जाएगा, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है उसको देखने के बाद पता चलता है कि सागर की हत्या सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि इसे हीनियस क्राइम में शामिल करना चाहिए और क्राइम के लिए सुशील कुमार को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सीसीटीवी के मुताबिक सागर के पास 20 से 25 लोग जाते हैं, फिर कुछ देर तक बात होती है और फिर कहासुनी होती है। धीरे धीरे एक आदमी पहले सागर के पास जाता है, फिर सागर को एक दो हाथ मारता है, फिर उसके बाद सागर उन लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि उसे क्यों मारा जा रहा है। आगे कुछ और होता कि सुशील कुमार हमला बोल देता है और फिर वो तब तक मारता है जब तक सागर अधमरा नहीं हो जाता। फुटेज में सुशील कुमार सागर के दो साथियों को भी मारता है। सभी पहलवान और बदमाश स्टेडियम के सीसीटीवी फुटेज में कैद हैं। फुटेज से पता चलता है कि पीड़ितों को जानवरों के जैसे पीटा गया। उसके मुताबिक सुशील के साथ असौदा गिरोह के लोग भी मौजूद थे और उन बदमाशों ने मिलकर सागर की हत्या की। ये बात भी सामने आ रही है कि जेल में बैठा नीरज बाली भी सुशील को बचाने में लगा है, फिर भी सागर के साथ कोई भी खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हर कोई सुशील की कामयाबी के सामने दब गया है। आपके मुताबिक सुशील का क्या करना चाहिए ताकि सागर को इंसाफ मिल सके? तो क्या सागर को न्याय मिलेगा, इस बात में उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अभी भी कुश्ती संघ सागर के साथ नहीं है, बल्कि वो सुशील कुमार का साथ दे रहा है। हरियाणा में कुश्ती संघ की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। एक महीने होने वाले हैं लेकिन सुशील को दिल्ली पुलिस नहीं खोज पाई, तो क्या सुशील के साथ वो लोग हैं जो उसे अपना आदर्श मानते हैं? हैरानी की बात है कि सुशील कुमार हर वक्त अपनी जगह बदल लेता है। पुलिस सर्विलांस को धोखा देने में वो नंबर एक है और पुलिस भी चकमा खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।